नोटिस एक अभी आ रही है जो कि सेंट्रल रीजन से SSCCR से आ रही है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी प्लस के बारे में। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मिलेगा क्या, आपको क्वांट, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो सिलेबस एंड स्ट्रेटजी सारे ही कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। और जितने भी टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं सारे टीचर्स के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, उसमें अनअकैडमी प्लस पर जाना होगा, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 5,000 रुपए का है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप मेरा रेफरल कोड लगाएंगे अमन त्रिवेदी और उसको अप्लाई करेंगे तो ये जो 5,000 का सब्सक्रिप्शन है ये सिर्फ आपको 4500 में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको याद होगा 6 जून को मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये दो सेंटर हैं जहां पर एग्जाम रिशेड्यूल करा दिया गया। और इसके साथ ही मुझे कई बच्चों ने मैसेज किया था कि ये उन्होंने उन बच्चों ने मुझे अपना एक ये एप्लीकेशन मुझे मैसेज किया था और उन्होंने कहा था कि सर हमारे सेंटर पे काफ़ी सारी दिक्कतें हुई हैं और हम लोगों का सर्वर काफ़ी स्लो था तो सर हमें क्या करना चाहिए। तो उन बच्चों से मैंने यही कहा था कि आप लोग इन कॉल्स इन टेलीफोन पर फ़ोन करिए और आप लोग अपना पीजी पोर्टल पर अपनी ग्रीवेंसेज को फाइल कर दीजिए। तो फाइनली उन बच्चों की सुन ली गई है और अब SSC ने एक नया निर्णय लिया है एंड SSC ने आज अभी अभी एक न्यू नोटिफिकेशन पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने ये कुछ सेंटर्स बताए हैं जो आपके उनके हिसाब से इन सेंटर्स पर दिक्कतें हुई थी। यानी कि इसका मतलब यह है कि इन सेंटर्स के बच्चों ने रिपोर्ट किया था वहां तक और इस वजह से यहां के सेंटर्स में कुछ एक्शन लिया गया है कि आपके ये जितने भी सेंटर्स थे, आपके रामकृष्णा, भुवनी देवी, BS इन्फोटेक लखनऊ, जिसका न्यूज में भी आया था कि BS इन्फोटेक में कुछ इशू हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, मेल किया था, देव महिला महाविद्यालय और ये जितने भी सेंटर्स थे इन सभी सेंटर्स के एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। और साथ ही साथ अभी उन्होंने ये एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है और 19 जून को एग्जाम है। तो दोस्तों काफ़ी बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे इन्होंने एग्जाम करवा दिया है। आज सभी को पता है 16 तारीख है और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने एग्जाम करवा दिया है। इसका मतलब काफ़ी SSC काफ़ी फास्ट काम कर रहा है। और खैर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कई बच्चों के मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि सर पेपर खराब हो गया, पेपर खराब हो गया, SSC की नाकामी की वजह से पेपर खराब हो गया। तो खैर अब ऐसा कुछ नहीं है, 3-3 शिफ्ट में उन्होंने यहाँ पर इन सेंटर्स के जितने भी शिफ्ट थे वो सारे ही आपके एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया है। जितने भी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में एग्जाम थे वो कैंसिल कर दिया गया है। और आपके इन केस यहां पर दिया गया है सोनी जो सेंटर था, ये जो सेंटर्स थे, अगर आपके ऑल शेड्यूल कैंडिडेट अलाउड फॉर री एग्जाम और जितने भी आपके सेंटर्स थे, जितने भी प्रेजेंट कैंडिडेट्स थे, उन्हीं को एग्जाम देने का मौका मिलेगा। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये मैसेज करके अपना ये उन्होंने भेजा था कि सर ये हमको देखो दिक्कत हुई है और हम लोगों ने एप्लीकेशन भी लिखा है लेकिन कोई SSC एक्शन नहीं ले रही है। सो फाइनली एक एक्शन ले लिया है एंड विच इज़ वेरी गुड थिंग। सो अभी आप लोग जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो 6 जून को जिन लोगों का एग्जाम था और 6 जून की शिफ्ट यहाँ पर मेंशन है किस शिफ्ट किस सेंटर पे किस शिफ्ट का, तो अगर आपकी शिफ्ट इसमें मेंशन है तो एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए और अपने सेंटर को भी पहचान लीजिए कौन क्या आपका सेंटर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लीजिए अपना एडमिट कार्ड। और वो वीडियो भी मैं यहाँ पर पिन कर देता हूँ जो कि आई कार्ड्स में लगा दूंगा, जो मैंने बनाया था जब मैंने आपको बताया था कि ये दिक्कतें हुई हैं कई जगहों पर, ठीक है। तो जिन लोगों का भी री एग्जाम है उनको बहुत ही ऑल द बेस्ट एंड बहुत अच्छा करके आइएगा। आप सभी को पता है एग्जाम में क्या आया है, कैसे आ रहा है, तो आप सबको ये बात पता है। जल्दी से आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए, 2 दिन का आपके पास समय है, मेंटली प्रिपेयर हो जाइए बिल्कुल अच्छे से और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे ये दोनों कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। दोनों ही कोर्सेज अनअकैडमी प्लस पर मेरे लॉन्च्ड हैं। एक कोर्स है कंप्लीट कोर्स ऑन वर्बल एबिलिटी, दूसरा है कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश। इन दोनों ही कोर्सेज से मिलकर आपकी मेंस की यानी Tier 2 की पूरी तैयारी हो जाएगी। तो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के लिए आप अनअकैडमी प्लस से सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं जो कि है अमन त्रिवेदी, जिसके बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा इस चैनल पर मैं बहुत सारे कुछ चीज़ें प्लान कर रहा हूँ। आपको कल तक आपको कट ऑफ एनालिसिस का वीडियो कल तक मिल जाएगा और उसके अलावा कई सारी चीज़ें मैं यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ जो कि आपको वक्त आते आते मिलेंगी। तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि एग्जाम के बाद सर एकदम हाइबरनेशन पे चले गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट वाज इज जस्ट माय क्लासेस, मेरी थोड़ी क्लासेस हैं इस वजह से शेड्यूल थोड़ा टाइट है, इस वजह से समय कम मिल रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द मैं वापस आने वाला हूं एंड मेरी पूरी कोशिश रहेगी यानी कल यानी मंडे से मैं आपके इस चैनल पे वीडियोस रिव्यूज कर पाऊँ, रिन्यू कर पाऊँ और आपका फिर से हम इस चैनल को जीवंत बना पाएं। आपका सपोर्ट बना रहेगा तो सब कुछ करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट बनाने के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे हेड।